हर सभी रंजिशें हम दिलों की दीप मुस्कुराहटों के जला देते हैं। होता है क्या गैर जानते नहीं, जो मिलता है उसे अपना बना लेते हैं। अपनी दूसरी रचना मैं कलम को समर्पित करती हूँ, इतिहास कलम का। मेरी पुस्तक एक नई सोच से ली गई है ये रचना। कलम का इतिहास गहरा न जाने कब से लिखा जा रहा है, साथ अपने नवरंग लेकर सुरों में ही बहा जा रहा है। भाव के ताने बाने में बुनकर छंदों से इसको सजाया जा रहा है। बेखबर है अब तक रंग भरने वाला, हर कोई नाम अपना लिए जा रहा है। छूते कभी गगन चुंबी चोटियों को, कभी नदियां संग भी बहे जा रहा है। समंदर में डुबकी लगाने से केवल गोताखार खुद को कहे जा रहा है। लाते हैं मोती जो खुद को डुबोते, फिर कश्तियों को कौन लिए जा रहा है। लाते हैं मोती जो खुद को डुबोते, फिर कश्तियों को कौन लिए जा रहा है। शुक्रिया उस खुदा का है मनु जो बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहा है। मेरी अगली काव्य प्रस्तुति है प्रदीप्त ज्योति। एक किरण आशा की दे दो मन की इस सूनी देरी पर जीवन ज्योत जगानी है। आभास मिले दीपक सा मुझको बस ऐसी राह बनानी है। एक किरण आशा की दे दो। कदम बढ़े बस लक्ष्य पर मेरे, बाधाएं कितनी ही आए। कांटों की राहों पर ये पग आसानी से बढ़ते जाएं। एक किरण आशा की दे दो। विगत के पल बीत चुके हैं अब वर्तमान प्रशस्त बन जाए। नहीं भविष्य की चिंता लेकिन जीवन एक आदर्श बन जाए। एक किरण आशा की दे दो। स्वर्णिम से आखर को हम सब आओ अपना मीत बना लें। सार्थक हो लेखनी का प्रयास सुंदर सा एक गीत बना लें। एक किरण आशा की दे दो। अब एक प्रश्न हम स्वयं खुद से ही कर रहे हैं, आखिर कहाँ गए वो ढेर से कागज और कागजों के बने पुलिंदे। कहीं बिखरे पड़े तो गट्ठर बने हैं कहीं। ढूंढते हैं जब वो पुराने किस्से तो खदेड़ते हैं हम ऊपर रखे वो पुलिंदे। बेतरतीब हो तो पढ़ते हैं समेटने, गर मिल जाए हमको उनमें मुराद अपनी तो जमा करके रखते हैं उधड़े हुए पुलिंदे। किसी में रखी है प्रीतम की पाती, कहीं पर छुपी है नैनों की बाती। कहीं नहीं जानते हैं दिल की बातें पुलिंदे, वो ढेर से कागज और कागजों के बने पुलिंदे। रखी है कहीं पर बनिए की पर्ची, कहीं पर लिखी है रखड़ी की खर्ची। वो छुपाकर रखी थी कहीं कभी अम्मा ने ही, अब चाहिए तो खोजते हैं पुलिंदे, वो ढेर से कागज और कागजों के बने पुलिंदे। लक्ष्मी की पूजा कभी दुर्गा उपासना, जब याद ना हो पूरी आराधना तो बिखर जाते हैं वो सिमटे पुलिंदे, वो ढेर से कागज और कागजों के बने पुलिंदे। वो भैया की शादी जब मिली थी आज़ादी, अब हिसाब पूरे करने को याद आते हैं पुलिंदे,
वो ढेर से कागज और कागजों के बने पुलिंदे। वो बाबा की बरसी अम्मा का कनागत, महाजन से हामी भराते थे पुलिंदे, वो ढेर से कागज और कागजों के बने पुलिंदे। तीन छप्पर से गिरती वो पानी की बूंदे भिगो देती जब भी भीगी स्याही की नींदे, वो हवा में सुखाते बाहों में झुलाकर, वो ढेर से कागज और कागजों के बने पुलिंदे। वो सर्दी की रातों में रजाई में दुबके देते थे लिख हम भी अजनबी से किस्से, वो ढेर से कागज और कागजों के बने पुलिंदे। आप सभी को कैसी लगी ये कविता? आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगली कविता हम लिखेंगे, सुनेंगे, नवचेतना। पथ मेरा बिल्कुल नया है, ठहरो जरा दीपक जला लूं। माना अंधेरे हैं घने पर दिया भीतर का जला लूं। डगर कांटों से भरी पर पथ के मैं पत्थर हटा लूं। दिख रही बाधाएं अनगिन आस का एक कण जगा लूं। पथ मेरा बिल्कुल नया है, ठहरो जरा दीपक जला लूं। रोशनी कहीं दिखती नहीं है, ज्योति ने शोर बहुत आ रहा उधर से, शांति की मैं लौ जला लूं। पथ मेरा बिल्कुल नया है, ठहरो जरा दीपक जला लूं। मनुजता सिसकती हर ओर ही खुद में मानवता जगा लूं। हर शब्द अब आह भरता कल्पना, आ शब्दों में नव प्राण ला दूं। पथ मेरा बिल्कुल नया है, ठहरो जरा दीपक जला लूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर कहाँ है रिश्ते? आज रिश्ते बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो उस पर मेरे शब्द, आखिर कहाँ है रिश्ते? सूनी पड़ी हवेलियों और जागीरों की भांति कितने अकेले हो गए हैं रिश्ते। संरक्षण के अभाव में दर की दीवारों की भांति बिल्कुल दरक गए हैं रिश्ते। आखिर कहाँ हैं रिश्ते? छूना नहीं चाहता कोई उन्हें ठीक उसी तरह पूर्णतया प्रदूषित हो गए हैं रिश्ते। आखिर कहाँ हैं रिश्ते? नहीं बदलते मायने कभी मगर जीवन में आई आधुनिकता से बदल गए हैं रिश्ते। आखिर कहाँ हैं रिश्ते? टूटा नहीं कुछ भी मगर जुड़ा भी तो नहीं, अध खुले ही बस रह गए हैं रिश्ते। आखिर कहाँ हैं रिश्ते? पूछते नहीं और बुलाते भी नहीं, यूं ही राह तकते रह गए हैं रिश्ते। आखिर कहाँ हैं रिश्ते? खोजता नहीं कोई और बनाता भी नहीं। देखो कितने मतलबी हो गए हैं रिश्ते। कहने को जिंदा भी नहीं और सच में मरे भी नहीं। निरा अधमरे हो गए हैं रिश्ते। आखिर कहाँ हैं रिश्ते? आज रिश्तों की जो कमजोरी और लचर जो हो रहे हैं, ये सब हम लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई का मग बनता जा रहा है हम सभी के लिए। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी के सामने एक गीत की प्रस्तुति है। जीवन बने सरगम क्यों न ऐसा गीत गाएं,
तुम हो जब धड़कन, क्यों ना नव संगीत लाए, जीवन बने सरगम, उलझनों को छोड़ पीछे, आगे हम बढ़ते ही जाएं, खुशियां हो हर पग हमारे, ऐसी फिर सौगात लाएं, जीवन बने सरगम, क्यों न ऐसा गीत गाएं, हर दिन बने त्योहार सा, आओ मन मंदिर सजाएं, प्रेम की धारा बहे, क्यों न वो जज्बात लाएं, जीवन बने सरगम, क्यों ना ऐसा गीत गाएं, हर ओर ही हो भाईचारा, हम वही पुरवाई लाएं, हर ऋतु मधुमास सी, क्यों ना वो बसंत लाएं, जीवन बने सरगम, क्यों न ऐसा गीत गाएं, जीवन बने सरगम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़ रहे हैं, मेरा सौभाग्य है आप सभी मुझे सुन रहे हैं। अगली रचना खत पर है, पत्र। खत मेरा जो तुमने पढ़ लिया होता, खत मेरा जो तुमने पढ़ लिया होता, दिल का सारा वहम निकल गया होता। खत मेरा जो तुमने पढ़ लिया होता, दिल का सारा वहम निकल गया होता। कहने को तो बहुत जाना था तुमने, कहने को तो बहुत जाना था तुमने, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता, खत मेरा जो तुमने पढ़ लिया होता। जमाने ने की यूँ तो बहुत रंजिशें, फैसला यहाँ तो सही लिया होता, खत मेरा जो तुमने पढ़ लिया होता। अनगिन सितम हम यूँ तो सहते रहे, अनगिन सितम हम यूँ तो सहते रहे, नजरें उठा तुमने देख लिया होता, खत मेरा जो तुमने पढ़ लिया होता। लिखी थी ख्वाहिशें जुस्तजू भी मगर, कोहराम धड़कन का सुन लिया होता, खत मेरा जो तुमने पढ़ लिया होता, दिल का सारा वहम निकल गया होता। अब आपके सामने अगली रचना जो अभी कुछ ही समय पहले मैंने लिखी है, कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से अच्छा, जो भी मैंने सोचा अच्छा लिखा, अच्छा सुनाने की, कोई संभवतः आपको पसंद आ रहा होगा। अगली कविता का शीर्षक है कैलेंडर। कैलेंडर हम सभी के घरों में पहले हमारे घरों की शान हुआ करता था, नए नए चित्रों के साथ, सुंदर प्रिंटिंग के साथ, लेकिन जब से मोबाइल आया है, घड़ियों और कैलेंडर की जगह इस मोबाइल ने ले ली है, तो उस कैलेंडर की व्यथा को मैंने लिखने का प्रयास किया है। दीवार पर टंगा यह श्वेत शाम कैलेंडर एक अधिकारी की भांति तय कर देता है मेरे रात दिन, आदेश मुझे करते हुए विभाजित कर रखा है इसने मुझे, चंद दिन घर है तू और बाकी दिनों में बाहर का फरमान जारी करते हुए। संगीता से ले लिए हो जैसे सब अधिकार, जो हमारी कानून संहिता नियम संहिता बनी हुई है, जैसे उसने उससे ले लिए हो सारे अधिकार, मेरी जिंदगी के उद्देश्यों को संपूर्ण करने की सारी तिथियां जैसे
सिद्ध हस्त हूँ उसके पास। ठगी सी रह जाती हूँ मैं, ठगी सी रह जाती हूँ मैं उस वक्त जब कोई नहीं आता घरेलू कर्मचारी। तो वह सामने गौर से देखते हुए कह उठता मानो आज नहीं वह कल आएगा। लहजा साधारण नहीं होता उसका, लहजा साधारण नहीं होता उसका, अपितु मुंह चढ़ाता हुआ सा, मखौल मेरा उड़ाता हुआ, तमाम हकीकत मेरी बयां करता हुआ। भूलने बिसरने का हक तो शायद हम सभी रखते हैं, मगर उसकी याददाश्त पर बहुत नाज है उसे। मैं अभिमान भी करार देती हूँ कभी तो, समेट रखे हैं सभी इतिहास उसने, समेट रखे हैं सभी इतिहास उसने। पूछो तो कह उठता है हर दर्द को तह कर रखता हूँ, हर दर्द को तह कर रखता हूँ, हर घड़ी उसे परखता हूँ। मरहम कोई लगाता जब भी दर्द की हद सहन करता हूँ। चौकीदार की भांति मानो अटल खड़ा हूँ मेरे यारों। मित्र तुम्हारा बना हुआ हूँ, मदद तुम्हारी मैं करता हूँ। सीमित हैं इस जीवन के पल, बस याद दिलाता रहता हूँ। अगली कविता है सीख पात की, एक पत्ता जिसका प्रादुर्भाव उस पेड़ पर हुआ, उस डाल पर हुआ, लेकिन जब उसका पीले पड़ कर के जाने का पतझड़ का वक्त समय आया तो वह संपूर्ण पत्तों से शेष जो उसमें रहे थे और हमारे जीवन को क्या सीख देता हुआ जा रहा है वो मैंने कोशिश करी है लिखने की। डाल से गिरते हुए कहा मुझे एक पात ने, चल दिए अगले सफर पर अनुभव अपने बांटने। जुड़ो किसी से इतना ही, टूटो तो जिंदा रहो, खुद से भी मिलते रहो, लफ्ज मुँह से कुछ ना कहो। अस्तित्व लेकर जा रहे हैं, यादें यहीं पर छोड़कर, जानते अब नहीं मिलेंगे, उम्मीद फिर भी छोड़कर। थे बहुत कहलाए अपने, अब कोई पहचानता नहीं, शुष्क बदन टूटती सी सांसें, पूछने खैर कोई आता नहीं। सत्यता नींव की भी यही, समय रहते जान लो, वक्त है सबके पास ही, तुम बात मेरी मान लो। फिर न जाने कब मिलेंगे, रूप होगा कुछ और ही, जिंदगी के मायने तो होते हैं बस एक ही। स्वागत आप सभी मित्रों का, आप सभी मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, मुझे प्रेरणा दे रहे हैं जुड़ करके। अगली रचना एक गजल के रूप में है। दिख रहा ये साया किसका इस तरफ, जुबां पे है चर्चा किसका इस तरफ। महफिलें हैं रोशन, आखिर किस लिए, मुसाफिर कोई है आया इस तरफ। जीस्त जाती गुजर रहते खामोश ही, शायद तूफान है आया इस तरफ। फिर मिलेंगे हम ये न सोचा कभी, झोंका यादों का आया इस तरफ। देखा न सावन को इन आँखों ने, सैलाब फिर भी है उमड़ा इस तरफ। ख्वाब देखे कभी तेरे साथ के, किरचे हुए सदा इस तरफ। एहसास है आज भी
एहसास है आज भी इश्क उस इश्क का, लगता आया फिर संदेशा इस तरफ। धुंधले लगे दिन रात बेजान सी, जुबां हमारी हुई बेजुबा इस तरफ। देख चलिए अगली रचना, आपने भानगढ़ सभी ने देखा होगा, जिसे भूतों का महल भी कहा जाता है। जब मेरा वहाँ जाना हुआ तो मैंने उसको देख करके कुछ मन के मनोभाव लिखे हैं, आप सभी सुनिए। बहुत अच्छी जगह है, सभी को देखने लायक है, दास्तां भानगढ़ की। तेरा मेरा रिश्ता रूहानी लगता है, तेरा मेरा रिश्ता रूहानी लगता है, मुझको तो तेरे दर पर सुकून मिलता है, मुझको तो तेरे दर पर सुकून मिलता है। लोग कहते हैं कि वहाँ डर है बहुत ही, मुझे तो कोई भी कहीं नहीं दिखता है। दहशत बना दी किसने ये तो बता दे, सपना हुआ है चूर ये खंडहर कहता है। उपासना रूप की है तबाही का सबब, राज ये गहरा तेरे दिल में लगता है, तेरा मेरा रिश्ता रूहानी लगता है। माना कि सभी पत्थर हुए मौन इस तरह, है धड़कन इस दिल में आज भी लगता है, तेरा मेरा रिश्ता रूहानी लगता है। है इश्क इस जहां में नायाब चीज, मगर ये दर्द वही जाने जो इसको करता है, तेरा मेरा रिश्ता रूहानी लगता है। सृष्टि की हर रचना भरी है इन अजूबों से, ऐसे उदाहरणों से सच साबित होता है, तेरा मेरा रिश्ता रूहानी लगता है। कह देना हकीकत कभी मन में जो आए, लब तेरे खुले तो भ्रम सबका मिटता है, तेरा मेरा रिश्ता रूहानी लगता है। अंजाम क्या होगा या सब यूं ही रहेगा, बीता हुआ हर लम्हा एक सदी लगता है, तेरा मेरा रिश्ता रूहानी लगता है, मुझको तो तेरे दर पर सुकून मिलता है। अब आप सभी के सामने एक मौन शब्द की काव्यात्मक व्याख्या सुनिएगा, मेरा प्रयास कलम का, आप सभी की प्रेरणा उत्साह मुझे मिलता रहे। मौन, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम, सत्य चित आनंद से सतत परिपूर्ण नित्य हो तुम, इस जगत का मूल आधार हो तुम, चिंतन की पराकाष्ठा में समाहित परिब्रह्म के अति सामिप्य हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम। सकल विकारों को परे कर दिव्य गुणों का बृहदाकार हो तुम, शब्द गागर से लबालब साक्षात में तो शून्य हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम। परिदृष्टित होता मुख पर सतत चेतना में ओज, जब उन दुर्लभ योगियों की
तपस्वियों की पहचान हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम। दमकता विदुभाल पर विदु चंद्रमा, दमकता विदुभाल पर होठों पर मुस्कान होती, उस गूढ़ता का भान हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम। साधना में सदैव रहकर परिणाम से रहते विमुख, सृष्टि का साकार हो, सृष्टि स्वरूप का साकार हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम। स्थिर हो जहां पर सब चेतनाएं, उसकी पराकाष्ठा देखिए, स्थिर हो जहां पर सब चेतनाएं, तमाम भावनाएं मिलती, जहां पर क्षितिज की सीमाएं, उस अगम्य पथ का केंद्र हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम। साधना ही जीवन है जिनका, साधना ही जीवन है जिनका, उस परम तप की खान हो तुम। दिखता नहीं जहां बाह्य रूप कभी भी, उस परमात्मा की जान हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम। अंतर निखरता तेज में सौंदर्य दिखता, उस दिव्य स्वरूप का मूक गान हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम, मेरे मौन चिरंतन सत्य हो तुम। और दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहनें जुड़ी हुई हैं, आप सभी जुड़े हुए हैं। अगली रचना आप सभी के सामने, एक श्रृंगार भाव के, फिर रात दुल्हन आ गई। नव यौवना नव परिणितासी, ज्योत्सना की चूनर ओढ़े, उतरी जो पैरहन सांझ की, तो गीत गाती आ गई, फिर रात दुल्हन आ गई। जगमगाती सारे जग को अलंकृता वो नव नवेली, झंकार प्यारी घुंघरुओं की, करती देखो आ गई, फिर रात दुल्हन आ गई। खुशियों की बौछार लेकर प्रीत का संदेश लेकर, मुस्कान सी मुख पर लिए वो खिलखिलाती आ गई, फिर रात दुल्हन आ गई। कलियों ने भी लाज से समेट लिए परिधान अपने, भौरों ने ना खोले लब तो वो गुनगुनाती आ गई, फिर रात दुल्हन आ गई। उतरी जो पैरहन सांझ की, तो गीत गाती आ गई, फिर रात दुल्हन आ गई। चलिए, एक यथार्थ मुक्तक के रूप में आप सभी के सामने, माटी से निपजे सभी, माटी में ही मिल जाना है, रीत जग की है निराली, जो आया उसको जाना है। ए माटी तेरे रूप अनगिन, जिंदगी भर ही तपना है, रूप तेरा कभी कलश में कभी दीप में ढल जाना है, माटी में ही मिल जाना है। हम सभी जो भी संसार में आए हैं, हम सभी को जाना है, आज नहीं तो कल। बस प्रयास यही है कि हम जितना जीवन हमको ईश्वर ने दिया है, जितने श्वास हमको दिए हैं, हम उन्हें अच्छी तरह सार्थक करके जाएं अपने जीवन को, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगला कविता का विषय है प्रण। चलो आज खुद से यह प्रण करते हैं, पर पीड़ा से आंखें नम करते हैं। कौन रख पाता है याद किसी को, कलम से दोस्ती निभाया करते हैं। चलो आज खुद से यह प्रण करते हैं, जी सकें सदा बेखौफ जिंदगी, आजकल खुद से तर्क करते हैं।
आजकल खुद से तर्क करते हैं। हो रहा था कल सौदा खुशियों का, हो रहा था कल सौदा खुशियों का, गमों से वास्ता हम कम रखते हैं। चलो आज खुद से यह प्रण करते हैं। कौन पूछता है खैर अब किसकी, आजकल किसी को समय नहीं है। इसलिए कौन पूछता है खैर अब किसकी, इन दिनों दर्पण से बात करते हैं। हो गया है अजब ढंग जमाने का, हो गया है अजब ढंग जमाने का, हाल पूछे कोई मुस्कुराया करते हैं, हाल पूछे कोई मुस्कुराया करते हैं। चली जाए जान कोई रंज नहीं अब, चली जाए जान कोई रंज नहीं अब, इश्क हम तो स्वयं से करते हैं। खेल शब्दों का ही तो था उस दिन, खेल शब्दों का ही तो था उस दिन, टूटते नहीं दूर हो जाया करते हैं। तूफा यादों के मचलते हैं बहुत, तूफा यादों के मचलते हैं बहुत, समेट उनकी तह लगाया करते हैं। चलो आज खुद से यह प्रण करते हैं। अकेलापन नहीं है कभी भी सजा, साए से उसे निपटाया रखते हैं। चलो आज खुद से यह प्रण करते हैं। ये किसने कहा कि बिखर गया सब, ये किसने कहा कि बिखर गया सब, हाथ में है लकीरें आज माया करते हैं, हाथ में है लकीरें आज माया करते हैं। पनपे सदा प्रेम की जड़ें हर तरफ, पनपे सदा प्रेम की जड़ें हर तरफ, नित बीज प्रेम के बो आया करते हैं। चलो आज खुद से यह प्रण करते हैं। बुला रही थी लहरें कल, बुला रही थी लहरें आगोश में हमें, उसकी इस अदा पर डूब जाया करते हैं। जिंदगी बसर हुई है नाम उसके ही, जिंदगी बसर हुई है नाम उसके ही, ख्वाब नहीं सच मानकर जिया करते हैं। चलो आज खुद से यह प्रण करते हैं, चलो आज खुद से यह प्रण करते हैं। देखिए इसी लय में एक अलग अंदाज में मैंने लिखी थी, मेरी पुस्तक की है, एक नई सोच से ली हुई है, थोड़ा सा अलग है उसमें, बातें खुद से ही। इसमें हमने प्रण किया था लेकिन हम इसमें खुद से बातें करते हैं। जब सामने कोई हमारे नहीं होता तो हम बातें करते हैं। चलो आज खुद से ही बातें कर लेते हैं। मुद्दतें हुई खुद से रूबरू हुए, मुद्दतें हुई खुद से रूबरू हुए, बस दिल हम सभी का यूं रखते रहे, खुद की खुशियों को सदा अनदेखा किए, आज पल भर को वो मंजर नजर कर आते हैं। चलो आज खुद से ही बातें कर लेते हैं। क्या ख्वाहिशें क्या हसरतें रही बस, क्या ख्वाहिशें क्या हसरतें रही बस, वक्त की आंधियों ने सब दफन कर दिया, जब तूफान थमा उजड़ गया था आशियां, आज खंडर वही हम देख आते हैं। चलो आज खुद से ही बातें कर लेते हैं। सब खाक हो गया इस जहां के लिए, शाखों से पत्ते भी मानो जुदा हो गए, वो डालियां वो दीवारें मगर आज भी राह तकते हैं मेरी, ये खबर है मुझे, आज रूहों को रिहा कर आते हैं। चलो आज खुद से ही बातें कर लेते हैं। क्या मिला कि पीछे कितना छूट गया, ना करो बातें बीते जमाने की तुम, ना करो बातें बीते जमाने की तुम, हो गई उस बंजर जमीन पर ही सही, दो कदम चल निशा अपने छोड़ आते हैं। चलो आज खुद से ही बातें कर लेते हैं। दोस्तों आप जुड़ रहे हैं, सभी बहनें जुड़ रही हैं, मुझे दिख रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको कुछ नया सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है हाँ मैं रिश्ते बुनती हूँ। दिन पर दिन तार तार हो रहे उधड़े से रिश्तों को, सूत कात मैं सिलती हूँ, हाँ मैं रिश्ते बुनती हूँ। कुछ खूंटी पर अटके हुए हैं, कुछ कतार में लगे हुए हैं, सबको क्रम से करती हूँ, हाँ मैं रिश्ते बुनती हूँ। टूट जाते कुछ देखो भ्रम में, बिखर जाते कुछ भी भ्रम में, सबको तह करके रखती हूँ, हाँ मैं रिश्ते बुनती हूँ। गरीब नहीं
पर पेशावर हूँ, उदार मना दिल रखती हूँ, सबको जीना सिखाती हूँ, हाँ मैं रिश्ते बुनती हूँ, हाँ मैं रिश्ते बुनती हूँ। आप सभी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, सभी का नाम मेरे इस पर आ रहा है, कुंज बिहारी फूफा जी, लता, नरेंद्र सर, पूनम केसवानी जी, देवेंद्र जोशी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इतना सुंदर मौका दिया, दिनेश बैरवा जी, और आप आ रहे हैं गीता, धवन लखवाल जी, नूतन गुप्ता जी, शशि पाठक जी, रितु सिंह जी, निरुपमा चतुर्वेदी, निरुपा जी, शिल्पी जी, रितु सिंह जी, और भी आप सभी हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन मुझे मेरे इस पर उजला लोहिया जी, मीनाक्षी पारी, सोनू चौधरी जी, मुखर कविता जी, मीना शर्मा, सागर जी, बहुत बहुत आभार आपका, मानकंवर जी, निर्मला गहलोत जी, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को सुना, आप सभी को कैसा लगा, मैं आपके सभी के प्रश्न जो भी आपके आए हैं कमेंट्स उनका उत्तर बाद में दूंगी। आप सभी का बहुत आभार, शुक्रिया। जन सरोकार मंच टोंक की तरफ से, टोंक के जो प्रमुख देवेंद्र जोशी जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।